Hi guys, it's me Shika. Welcome back to my channel. So I am back with another Meesho dresses haul. The price range is 350 rupees, 280, 297, 313 ऐसे करके प्राइसेस है. बस एक ड्रेसेस है जो कि मैं करेंटली पहनी हुई हूँ. दिस इज़ 4 rupees 365 समथिंग अराउंड दैट. लेट यू नो लेटर ऑन द वीडियो. या गाइज, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. सो गाइज, मैं उसी ऑर्डर में जाती हूँ जिस ऑर्डर में मैंने अपने ऑर्डर्स प्लेस करे हैं. ऑर्डर. तो फर्स्ट वन इज़ दिस ड्रेस. ये मुझे बचपन की बहुत ज़्यादा याद दिला रहा है. अगर आप बंगाली हो, मुझे दूसरों के बारे में उतना पता नहीं है, बट आई थिंक कि सारे बंगाली बच्चों ने ये ऐसे टाइप के ड्रेसेस पहने होंगे जो कि टू पीसेस में भी आते थे एंड ऐसे फ्रॉक में आते थे. उस टाइम तो लोग फ्रॉक बोलते थे. सो या गाइज, इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शंस है. दिस इज़ अ वन पीस. दिस इज़ अ ड्रेस. बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है एंड इसमें ना ब्लू रेड पिंक ये वाला कलर और ब्लैक है. ये ड्रेस मुझे 293 रुपीज़ की पड़ी है. द क्वालिटी इज़ सुपर सुपर अमेजिंग. बहुत ही थिक मटेरियल है, प्रॉपर विंटर अप्रोप्रिएट. या विंटर अप्रोप्रिएट. सो जो फैब्रिक इसमें यूज़ करी गई है ना, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, इफ़ आई गो डाउन हियर, एंड करेंटली ये आउट ऑफ स्टॉक होकर रखी है. तो आप जब भी चेक करते रहना क्योंकि यू शुड नॉट मिस दिस. सो दिस यहाँ पे तो कॉटन लिखा हुआ है. कॉटन ही है ये. आई एम नॉट टेलिंग कि कॉटन ही है, बट थिक वाला कॉटन है. एंड या डेफिनेटली रिकमेंडेड, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी इस प्राइस पॉइंट में. बाहर भी मैं ये लेने जाऊंगी ना, मुझे आराम से वो लोग 500 बार्गेन करके दे देंगे ये वाला. आई थिंक सो. अब तो यार गाइस, हाईली रिकमेंडेड दिस वन. तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ. नेक्स्ट मैंने ये ब्लैक स्ट्रेट ड्रेस ऑर्डर करी हुई थी. तो ये ना बहुत ही स्ट्रेट जैसी थी एंड पिक में ये मुझे लग रहा था कि ऐसा ही आएगा था, बट थोड़ी सी मुझे क्वालिटी इसकी लो लगी. बहुत कम, बहुत ही थोड़ी सी. प्राइस की बात करूँ तो आई पेड ₹290 मैंने पे करा था. एंड इसमें 3 वेरिएंट थे. एक तो जिसका जो स्लीव है वो ऐसा होगा, एक यहाँ से ही ये चीज़ आएगा, एंड सेकेंड वन का जो नेक है, दिस इज़ इन स्क्वायर नेक, एंड उसका जो नेक था वो हल्का सा हॉल्टर नेक जैसा था. ओके गाइस, सो कमिंग टू द क्वालिटी एंड स्टफ, आई फील कि जो इसकी नेट की फैब्रिक है ना, ये थोड़ी सी चुप कर रही है, पता नहीं क्यों. यार एक छेद भी है इसमें, मैंने अब भी नोटिस करा. जस्ट सी. ओह नो. सो ओवरऑल इसके जो नेट में है, इसमें वेलवेट की डॉट करी गई है एंड यहाँ पे थोड़ा सा इलास्टिक है, जो कि बहुत ज़्यादा निखर के तो नहीं आ रहा है, बट आफ्टर ऑल 290 रुपीज़ के लिए आई थिंक इट्स मोर देन इनफ वॉट यू आर गेटिंग. क्योंकि आफ्टर ऑल ये बॉडी में बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो, बहुत स्लीक एंड हग कर लिया है बॉडी को, जैसे स्लिप हो रहा है बटरी. सो आई थिंक कि दिस इज़ वर्थ. अगर आपको चाहिए कुछ, अगर आपका बजट है ऐसे 300-400 रुपये, 500 के अंडर, तो भाई मीशो में एक से बढ़कर एक ड्रेसेस आपको मिल जाएंगे. ये मैंने इस बार तो समझ लिया है, क्योंकि अगर ऐसे ड्रेस मिल सकते हैं, लिटरली ऐसे वाले ड्रेस, तो भाई कुछ भी हो सकता है. मीशो को बहुत कोई अंडरस्टिमेट करते हैं. कभी कभी उनकी सर्विस थोड़ी है वीक हो जाती है, बट यू नो, यू हैव टू ट्रस्ट. बोलता है ना, आपको लॉटरी लगाना पड़ेगा एंड कब लग जाए आपको पता भी नहीं चलेगा. सो दैट इज़ द थिंग. एंड स्क्वायर नेक में आता है, बहुत ही प्यारा है. जो क्वालिटी है इसकी सॉफ्ट है, बिल्कुल चुभने वाली नहीं है. जस्ट द नेट विच इज़ थोड़ा सा, एंड पता है ऐसे नेट होते हैं थोड़े से चुभने वाले, थोड़े जो लो क्वालिटी के थोड़े नेट होते हैं ना, वो होते हैं. एंड मे बी जो इसमें बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश कर. सो मे बी दैट्स व्हाई आई हाईली रिकमेंड यू दिस वन एज वेल. ले सकते हो आप इसे भी. तो अब क्या बात करूँ, अच्छा कि बुरा, क्या करूँ क्या. और मेरे पास 3-4 ड्रेसेस हैं. ओके चलो मैं ये दिखा देती हूँ पहले.
तो ना ये ड्रेस ना मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, लाइक जब समर सीजन चल रहा था तब। पहले मैं इसकी प्राइस बताती हूँ, ये सिर्फ 267 रुपीज़ की है। कॉटन रेयन टाइप का मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, रेयन है, प्रॉपर रेयन है। अगेन कलर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है, ये क्या है, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन। ठीक है, मतलब ये तो हो गया एकदम नियॉन जैसा कलर, एक है एकदम डार्क ग्रीन। 267 रुपीज़ प्राइस है। अब बात करती हूँ कि क्वालिटी कैसी है। डेफिनेटली रेयन है तो मटेरियल अच्छा है, नो डाउट। ठीक है, बस आयरनिंग की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी व्हेन एवर यू वेयर इट। नेक्स्ट जो इसकी स्ट्रैप्स है ना, इसमें स्टील वाले एडजस्ट करने वाले लगे हुए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि वो ना टूट जाते हैं, तो बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने। एक चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम आई इसमें कि ये जो इनकी फिटिंग है ना यहाँ की, ये थोड़ी लूज है, मतलब थोड़ी ऑड है, क्योंकि ये वाली पार्ट अगर ऐसे होती ना तो ये सही रहता। बट एंड द थिंग इज कि कलर बहुत प्यारा है यार, बहुत कलर, बहुत समर कलर है। एंड या इफ़ यू वांट समथिंग कि आप समर के लिए, समर में जाके लोगे तो भी आप इसे ले सकते हो, क्योंकि ठीक है यार, मतलब मैं इसको कुछ भी नहीं बोल सकती, अच्छा बुरा अच्छा है, इट्स मोर इनटू अच्छा साइड। इट्स जस्ट कि मैं रिकमेंड तो करती हूँ, डेफिनेटली हाईली रिकमेंड दिस वन एज वेल, बट विंटर अप्रोप्रिएट ये बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ा सोच समझ के लेना, एंड लेंथ भी इसकी बहुत परफेक्ट है, तो उस चीज़ का भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलो यार, बैड पार्ट, बुराई करना, नहीं पसंद मुझे बुराई करना किसी भी ड्रेस की, बट करना पड़ेगा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि सो दैट कि मेरे से जो गलती हुई आपसे ना हो। सो दिस इज़ अ वाइट कलर ड्रेस, जिसका मैंने ट्राई ऑन भी शूट नहीं करा हुआ है, तो आप नहीं देख सकते। सो द थिंग इज कि ये जितनी ही शॉर्ट है, मतलब ये एक टॉप जितनी है, सीरियसली बताऊँ तो ये एक टॉप जितनी है। ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो इसका अंदर वाला लेयर है ना, जो अंदर वाला लेयर है, कहाँ गया उसका लेयर, आप देख लो ये कितना ऊपर है, मतलब वन पाम के डिस्टेंस में है ये। एक तो ड्रेस इतना छोटा है, ऊपर से जो इनर है वो इतना छोटा है कि वो एकदम से एक लाइक मिड टॉप जैसा आ रहा है। अब आप समझो कि इसे तो पहन ही नहीं सकते, ऊपर से ट्रांसपेरेंट भी इतना है कि अगर आप इसे ड्रेस जैसा पहनो तो आपको टॉप टू बॉटम सब कुछ वाइट कलर का पहनना है। लाइक जो आप बाइकर शॉर्ट्स पहन रहे हो वो भी आपको प्रॉपर वाइट कलर में पहनना पड़ेगा, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एवरीथिंग वाइट कलर। मैं नॉर्मल लड़कियों की बात करूँ, एवरीबडी इज़ नॉट फैशन इन्फ्लुएंसर कि सबके पास हर टाइप की चीज़ें होंगी। दैट टू दिस इज़ अ टाई अप ड्रेस, तो आपको ट्यूब टॉप एंड ट्यूब ब्रा पहनना पड़ेगा। एंड नाउ व्हेन वी आर वेयरिंग ट्यूब ब्रा, तो फिर सब कुछ ही वाइट, एंड आपका स्किन अगर थोड़ा सा भी शो होता है तो फिर वो दिख रहा है। यू नो व्हाट आई मीन, कि अगर आप ब्रा पहन रहे हो एंड आपने इनर नहीं पहना है उसके ब्रा के ऊपर, तो आपका जो टमी वाला पार्ट है वो विजिबल हो रहा है, ये इतना ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस, इतना ही बोलूँगी मैं। एंड इसकी प्राइस की बात भी कर देती हूँ, द प्राइस इज 290 रुपीज़। आई विल नॉट रिकमेंड दिस, दैट्स इट। सबसे अच्छी वाली ड्रेस मैं लास्ट में बताऊँगी, इसीलिए मैं अभी नहीं बता रही, उससे पहले मैं एक और ड्रेस की बात कर देती हूँ, फिर मैं इसकी बात करूँगी। सो द लास्ट सेकेंड पीस इज दिस पर्टिकुलर ड्रेस, जो जिस मतलब इसकी मटेरियल एंड जो फर्स्ट वाली मैंने ड्रेस दिखाई थी बहुत ही सिमिलर है। बहुत ही ज़्यादा मोटी सी फैब्रिक है एंड विंटर अप्रोप्रिएट तो है ही। इनफैक्ट अगर, क्योंकि इसके स्लीव्स छोटे हैं तो आप इसे समर में भी वेयर कर सकते हो। जो प्रिंट है वो एकदम चेक, स्मॉल वाले चेक है, अच्छी है। द थिंग इज कि इसमें 3 वेरिएंट थे, एक तो ये था। इसमें एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि इन्होंने बताया था जो स्लीव्स है वो इतनी तक आएगी, मतलब इतना आना चाहिए था, जिसको हम लोग आई डोंट नो क्या स्लीव्स बोलते हैं, मतलब आप देख लो इतनी स्लीव्स इसकी इतनी आनी चाहिए थी, बट ये इतना आ रहा है। तो उसमें थोड़ा सा ना इसका जो लुक है उसको थोड़ा सा ना इसने बच्चों जैसा बना दिया है, क्योंकि इट्स लुकिंग लाइक कि बेबी फ्रॉक जैसा कुछ है, क्योंकि इसमें फ्रिल है नीचे एक तो
तो इसके जो और दो वेरिएंट थे ना, एक तो था इतना वाला, तो ऐसे सिमिलर में और भी बहुत छोटा एक ऑलरेडी है मेरे पास, विच आई गॉट फ्रॉम आई थिंक बिग बाज़ार ब्रांड फैक्ट्री कहीं से तो लिया था, इसलिए मैंने वो परचेज़ नहीं करा। एंड द थर्ड वन इज़ वो मुझे आई थिंक कि अगर इसमें और उसमें लेना चाहिए तो मुझे वो लेना चाहिए था, क्योंकि वो ना एक हाइलो जैसा था। ये हाइलो इतना ट्रेंड आया था जब हम क्लास टेंथ में थे, 9th 10th के बीच बीच में थे, तो इसका प्राइस पड़ा था मुझे 272 रुपीज़, विच इज़ अ ग्रेट थिंग आई गेस, क्योंकि यार 200-300 रुपये में आपको ड्रेसेस मिल जा रहे हैं और क्या चाहिए। सो या गाइज, आई विल रिकमेंड दिस क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इसके ही अलग वेरिएंट ले लो, आई थिंक आपको थर्ड वाला वेरिएंट लेना चाहिए, बिकॉज दैट लुक्स क्लासी एज वेल एज जो इसका लुक है वो बहुत अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है। सो यू कैन डेफिनेटली, मेरा ना ध्यान भटक रहा है, मेरे मेमोरी कार्ड में स्पेस नहीं है। एनीवे, सो आप इसे ले सकते हो, आई रिकमेंड दिस। सो लास्ट, भाई रुक जा, बंद मत हो जाना, क्योंकि बस दिस इज द लास्ट ड्रेस, जल्दी जल्दी बात करती हूँ उसके बारे में। ओके, तो पहले मैं प्राइस बता देती हूँ, दिस इज फॉर 346 रुपीज, एंड इस पूरे हॉल में दिस इज अ स्टार। मेरे हर एक हॉल में एक तो कुछ आइटम होता है जो स्टार होता है, एंड दिस में लिटरली दिस इज क्वीन ऑफ द हॉल, क्योंकि इसकी क्वालिटी जितनी अमेजिंग है उतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब मुझे मन नहीं करा कि मैं इसे खोलूँ, एंड खोलूँ नहीं, उतारूँ, सॉरी, मैं इसे चेंज करूँ। सेकेंडली, द स्लीव्स, अगर इन्होंने क्लेम करा है कि ये पफ स्लीव्स है, तो ये डेफिनेटली पफ स्लीव्स है एंड ऐसे स्टेबल है, वरना दूसरे वाले टॉप्स ना ऐसे खिंच जाते हैं, एंड यहाँ से वो फ्रिल, ये जो पैटर्न आ रहा है ना, ये आता ही नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज अ कट, लाइक देयर इज अ कट गिवन ऑन लाइक द मिड पार्ट, लाइक आपके टमी के ऊपर एकदम एग्जैक्टली आपके टमी के पास एक कट दिया हुआ है, विच इज़ मेकिंग दिस होल ड्रेस लिटिल बिट हटके, थोड़ा सा स्टाइलिश लग रहा है इसमें। एंड द लेंथ एंड ऑल एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी परफेक्ट, पीछे एज वेल एज पीछे एक कट भी दी गई है, सो दैट कि आप आराम से स्टेप ले सको, उछल सको, कूद सको, ये सब भी कर सको आप आराम से। द कलर आई पिक्ड इज़ रेड कलर, एकदम प्रॉपर जो रेड होता है वो कलर है। इसमें कलर ऑप्शंस आई थिंक पिंक है, बट पिंक में ये कट नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, बहुत ही अलग जैसा इसमें दिख रहा है। एंड एक और है इसमें पीच कलर का, पिंक पीच आप कुछ बोल सकते हो उसको, एकदम लाइट सा पिंक कलर का। सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दिस वन, क्योंकि वो पिंक थोड़ी कैमरा में भी बहुत लाइट लाइट सी लगती है, एंड आई पिक्ड दिस रेड वन, वाइब्रेंट रेड, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत लाउड लग रहा है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्शन को एनहेंस कर रहा है, कोई भी इंडियन स्किन टोन में ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर वन ड्रेस आपको चाहिए, अगर एक ड्रेस आपको चाहिए आपके बर्थडे के लिए, किसी को गिफ्ट करना है, कुछ भी करना है, यू कैन डेफिनेटली गो विथ दिस वन, बहुत ज़्यादा बजट में है, कोई पकड़ भी नहीं सकता है कि ये 350 के अंडर है, सबको लगेगा कि ऑलमोस्ट ये 500-600 की ड्रेस है। लिटरली इतना कंफर्ट मुझे अर्बैनिक के ड्रेसेस में भी नहीं मिला है, आई एम टेलिंग यू दिस मच, इतना ज़्यादा मैं क्लेम कर रही हूँ, आप समझ लो। सुपर 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 हाईली रिकमेंडेड, और पक्का अगर कुछ भी ना लो ये वाली ड्रेस ज़रूर लेना, क्योंकि ये वाली ड्रेस आपके वार्डरोब में डेफिनेटली होनी चाहिए, हर कुछ अप्रोप्रिएट है, शादी, रिसेप्शन, नहीं मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो ड्रेसेस पहन के जाना पसंद करते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, बट स्टिल, तो आप कहीं भी इसे पहन के जा सकते हो, बहुत अच्छे लोगे आप। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू गाइज एंजॉय इट, एंड इफ यू डू सो देन यू नो व्हाट टू डू, हिट द सब्सक्राइब बटन, घंटी बजा दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, and yeah, I'll see you guys soon in my next video next week. Till then, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हर दिन शॉर्ट्स देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि शॉर्ट्स में ना मज़ा आता है, गाने के साथ आपको एक एक रिव्यू मिलता है, एंड यहाँ बड़े वीडियो के थ्रू मैं आपको इन डिटेल रिव्यू दे देती हूँ। सो या गाइज, चलो बाई।